हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कैनरा बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो कैपिटल लेटर यानी ब्लॉक लेटर में फिलअप करना आपके लिए सही होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है वो पोर्शन फिलअप करना मैंडेटरी है, और यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, और जहाँ पे भी आपको सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक इंक के पेन से आपको करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसान प्रोसेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को बैंक उसके लिए दिया गया है, तो यहाँ पे आपको कुछ और फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी माइनर के लिए अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको माइनर के ऊपर टिक कर देना होगा। और अगर आप अपने खुद के लिए अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर आपका उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तब यहाँ पे आपको नॉर्मल के ऊपर टिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट में लास्ट नेम आपको लिख देना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको खाली रख देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है। जैसे कि अगर आप मैरिड, अनमैरिड या फिर सिंगल है तो वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर नेम और मदर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पाउस नेम लिखना है। जैसे कि अगर आप मैरिड है और अगर आप मेन है तब यहाँ पे आपको अपना वाइफ का नाम लिखना है, और अगर आप वुमेन है तब यहाँ पे आपको अपना हस्बैंड का नाम लिखना है, और अगर आप अनमैरिड है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में आपके फैमिली में जितना जन है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इलिटरेट है तब यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप एजुकेट है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इलिटरेट है यानी अगर आप यस के ऊपर अगर टिक करते हैं तब यहाँ पे आपको अपना कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। उसके बाद अगर आप माइनर है यानी अगर आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम यानी पेरेंट्स का नाम लिखना है। अगर आप चाहे तो आपके फादर का नाम या फिर अगर आप चाहे तो मदर का नाम लिख सकते हैं, और अगर आप अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गार्जियन के साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना है, और अगर आप माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन के ऊपर टिक कर देना है, और कंट्री नेम में आपको इंडिया लिख देना है, और सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन टाइप लिखना है, यानी किस तरह का काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम लिखना है, यानी सालाना आप कितना इनकम करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेटवर्थ आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन लिखना है, यानी कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगोरी यानी कास्ट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका कुछ डिसेबिलिटी है तब यस के ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर आपका डिसेबिलिटी नहीं है तब नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद बताया गया कि अगर आप क्लियरली अगर नहीं देख सकते हैं तब यहाँ पे आपको विजुअली इम्पैक्ट के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप अगर क्लियरली देख सकते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर टिक कर देना है, अगर आप चाहते हो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया गया है, इसे आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कंप्लीटली अगर इंडिया से बिलोंग करते हैं यानी इंडिया के टैक्स पेयर है तब इसके ऊपर आपको यस के ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर आप चाहते हो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनकेस अगर आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तब भी सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने सेविंग्स अकाउंट में जो मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अगर आपका कोई ऑफिशियल या फिर रेसिडेंशियल अगर टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे कि कई सारे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास अगर पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरा आधार कार्ड है तो मैंने यहाँ पे आधार के ऊपर टिक कर दिया है और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आधार कार्ड जहाँ से इशू होता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि आधार कार्ड इशू होता है UIDAI से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
उसके बाद यहाँ पे आपको इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट खाली रख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि अगर आपका करंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस है उसके ऊपर टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। लेकिन एड्रेस टाइप में अगर आप बिजनेस करते हैं और अगर आपका घर एक ही जगह पे है तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं या फिर अगर आपका बिजनेस एड्रेस और घर का एड्रेस अगर अलग है तब इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना घर का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका घर का एड्रेस और अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तब इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस ही लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसके पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था और इस पेज में आपने जो एड्रेस दिया है, अगर उस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है उससे अगर अलग है तब यहाँ पे आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है, अगर आप वही एड्रेस में अगर रहते हैं और आपने यहाँ पे सेम एड्रेस अगर लिखा है तब इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक इंक पेन से यानी ब्लैक कलर के पेन से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। और इनकेस अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिखना होगा। प्लेस के जगह में आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से डेट लिखना होगा। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को आपको खाली रख देना है क्योंकि इस पोर्शन को बैंक उसके लिए दिया गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, तो आपको इस पोर्शन को भी खाली रख देना है क्योंकि इस पोर्शन को बैंक उसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, और मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट से किस तरह के सर्विस लेना चाहते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। और इनकेस अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है किसी के साथ और अगर आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि डेबिट कार्ड के ऊपर कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है मैं वही नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किस तरह का डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, जैसे कि रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड आप ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड लेना है तो मैंने यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग आपके लिए जरूरत है तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप SMS अलर्ट चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप फोन बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग सेवा लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको रिक्वर्ड के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहे तो नॉट रिक्वर्ड के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट, ऑटो स्वीप और रिकरिंग डिपॉजिट ऑप्शन में आपको खाली रख देना है। इस पोर्शन में आपको कुछ और फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप किसी को अगर नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप किसी को अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तब इस पोर्शन को आपको फिलअप करना है। तो पहले ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है। ब्रांच नेम अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपका नॉमिनी का नाम आप पासबुक में प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट लिख देना है, और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद बताया गया कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। जैसे कि मेरा नॉमिनी का एज है 28 साल, तो मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इनकेस अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तब ही यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया कि अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है तब किसी को आपको विटनेस रखना होगा। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम, एज और एड्रेस लिखना होगा। और इनकेस अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे भी आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। लेकिन इनकेस अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर आप थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप देते हैं तब दो जन को आपको यहाँ पे विटनेस रखना होगा। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम और एड्रेस लिखना है, और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ठीक इसी तरह से
सेकेंड नोटिस का कॉलम भी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का जगह में आप ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर अगर नहीं करना जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में फिर से आपको सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर अगर नहीं करना जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इंप्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेस का जगह में आप ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं, और यहाँ पे डेट में आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद नीचे के पोर्शन में आपको फिलअप नहीं करना है क्योंकि इस पोर्शन को बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, यहाँ पे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है जिसे आपको रीड कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद एक्नोलेजमेंट में आपको खाली रख देना है क्योंकि एक्नोलेजमेंट बैंक यूज के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको आ जाना है, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है जिसे आपको रीड कर लेना है, और इस पोर्शन में भी आपको कुछ और फिलअप नहीं करना है। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब इस फॉर्म को आप बैंक में जमा कीजिएगा आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना मैंडेटरी है, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर आपके पास इनके साथ अगर पैन कार्ड नहीं है तब आपको फॉर्म 60 जमा करना होगा इसके साथ। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते उस वीडियो को देख सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो आप इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।